दोस्तों 28 दिन नहीं पूरे 30 दिन जियो का कैलेंडर मंथ रिचार्ज प्लान 259 रुपये का। 259 रुपये में आपको पूरे एक महीने जिस डेट को आप रिचार्ज कराते हैं उसी डेट को आपका रिचार्ज खत्म होगा, यानी एक महीने का रिचार्ज प्लान 1.5 GB डाटा डेली अनलिमिटेड कॉल के साथ आपको दिया जाता है। आगे की जानकारी वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों टेक गया न्यूज चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम आपको 28 दिन की वैलिडिटी प्लान नहीं पूरे कैलेंडर मंथ रिचार्ज प्लान जो बैनर पे बताया, पूरे आपको एक महीने का वैलिडिटी रिचार्ज प्लान बताएंगे। जो आप एक 301 रुपये का रिचार्ज आता है जियो का 301 रुपये का रिचार्ज आता है जो कोई नहीं जानता है, लेकिन ये प्लान कैसे वर्क करता है। इसमें आपको 50 GB डाटा मिलेगा, 301 रुपये में 50 GB डाटा मिलेगा और इसकी वैलिडिटी पूरे 30 दिन रहेगी, 28 दिन का नहीं पूरे 30 दिन रहेगा। लेकिन ये आपका 50 GB डाटा के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें, यानी ना ही आपको अनलिमिटेड कॉल मिलेगा ना ही कोई SMS देखने को मिलेगा। लेकिन ये 301 रुपये का प्लान एड डाटा एड ऑन पैक जिसे बोलते हैं डाटा एड ऑन पैक, यानी आप में कोई रिचार्ज रहेगा तभी ये रिचार्ज वर्क करेगा वरना वर्क नहीं करेगा। तो आपको ज़्यादा डाटा चाहिए तो 301 रुपये एक्स्ट्रा में आप 50 GB ले सकते हैं जिसकी वैलिडिटी 30 दिन रहेगी। दूसरी प्लान की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है 296 रुपये। दोस्तों 296 रुपये बात तो 296 रुपये का, 296 रुपये का एक रिचार्ज आता है जिसमें 25 GB डाटा आपको मिलता है। 25 GB डाटा की वैलिडिटी पूरे 30 दिन तक रहती है। तो आपको 25 GB डाटा का वैलिडिटी का कोई लिमिट नहीं रहता है, नो डाटा लिमिट रहता है। आप 25 GB डाटा आपको मिलेगा तो इसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना। लेकिन आपको 1.5 GB डाटा डेली मिलता है तो उसका लिमिट रहता है एक दिन का, लेकिन इसका लिमिट नहीं है। अगली बात करते हैं तो प्लान की, तो ये आता है 2879 रुपये का। 2879 रुपये यदि आप खर्च कर देते हैं दोस्तों तो पूरे एक साल 365 दिन के लिए आप मुक्त हो जाएंगे। इसमें आपको 2 GB डाटा डेली मिलेगा। तो 2879 रुपये का ये प्लान आपको कैसा लगा? इसमें जियो TV, जियो सिनेमा